हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सो आज है इंडिपेंडेंस डे एंड इसके बारे में सोचा था कि मैं कुछ अलग सा ऑडियो बनाऊं करके, एंड मेरे को एक अलग सा और हटके सा टॉपिक मिला जो हमारे देश के बहुत काम आ सकता है, आपको इंस्पायर कर सकता है कि आप देश के लिए कुछ करो। तो आज मेरी एक दोस्त है पलक, तो उसके मॉम से मिलना आया था मैं। उनको पार्किंसंस की डिजीज़ है और वो खिचड़ी बनाती है एंड पेशेंट्स को बांटती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और उनका माइंडसेट जान के लेते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं। और इनका मैं खिचड़ी भी ट्राई कर रहा था यहाँ पे, जो बहुत ही डिलीशियस है। एंड ये जो बनाते हैं वो पेशेंट्स के लिए बनाते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड चेक आउट व्हाट्स हर माइंडसेट। एंड मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, दोस्तों पॉडकास्ट पहली बार बना रहा हूँ, तो सॉरी अगर आगे पीछे कुछ हो गया तो। बट प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप जो है नो बहुत तक लाइक आंटी जो है बहुत लोगों से रीच कर सके, आंटी का कॉज बहुत लोगों तक रीच हो सके एंड हम अपने देश के लिए छोटा छोटा कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तो आज मैं आया हूँ आंटी के पास और आंटी जो है बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है एंड अभी मैं कुछ टाइम में ट्राई करूँगा। बट आज हम थोड़ा इनसे जानते हैं कि इनका माइंडसेट क्या है करके। सो दोस्तों क्या है ना कि इनके ऊपर पहले भी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है एंड उसका लिंक यहाँ पर कहीं आपको दे दूंगा, आप वो लिंक देख लीजिएगा। तो आज हम आंटी से कुछ सवाल करेंगे एंड लेट्स सी आंटी का माइंडसेट जानने की हम कोशिश करेंगे। सो आंटी जी, ये पूछना था कि आपने शुरुआत कब की। मैंने 25 फरवरी 2021 से शुरुआत की कोरोना काल में। ओके। जब कोरोना काल में सब लोग परेशान थे रोड पे हाईवे पे, तो सोचा हॉस्पिटल में जो लोग दाखिल होते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है, नहीं वाहन है, नहीं वाहन मिलता है, 144 का कलम है और बीमार लोगों को टिफिन कैसे मिलता होएगा। तो ये सोचकर मैंने खिचड़ी फ्री में बांटने के लिए सोचा, हॉस्पिटल में जाकर परवानगी ली, अलग अलग चार जगह से परवानगी ली, नगर पालिका में से, MLA के ऑफिस में से, मेयर के पास और हॉस्पिटल के डीन के पास, आरोग्य विभाग में से, सब जगह से परमिशन लेकर मैंने खिचड़ी फ्री में बांटना चालू कर दिया। ओके। तो लाइक आपने जब शुरुआत किया तो ठीक है, तो मतलब आप अप्रोच कैसा किया आपने, आपने क्या कह के, बिकॉज कैसा अथॉरिटी जो होती है उनको लाइसेंस चाहिए फूड का एंड ये सब चीज़ का, बिकॉज आप कैसे लोगों के हेल्थ के साथ यू नो कर रहे हो करके। नहीं, मैंने सब जगह से परवानगी ली और परवानगी में स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मेरी सब जिम्मेदारी से मैं फ्री में खिचड़ी बांटना चाहती हूँ। Okay. और मैं 25 सालों से शिक्षक थी, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरी खिचड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सादी पौष्टिक और स्वच्छ सुगर खिचड़ी मिलेगी, मतलब सबके लिए एकदम परफेक्ट वाली हेल्दी सी खिचड़ी मिलेगी। हेल्दी खिचड़ी मिलेगी। ओके। सो आप लाइक क्या क्या मतलब खिचड़ी का रेसिपी बता सकते हो थोड़ा सा, ताकि जो लोग देख रहे हो आपके थ्रू थोड़ा बना सके। खिचड़ी में साग भाजी डालती हूँ, तेल घी डालती हूँ, क्योंकि उधर प्रेग्नेंट महिलाएं भी है, 30-35 प्रेग्नेंट महिलाएं है, बाकी कुल मिलाकर 83 कॉलम है। Okay, तो आप 83 बेड्स में जाके देते हो आप। हाँ, उधर हर बेड पे जाकर देती हूँ, बच्चों का भी अलग वार्ड है, बहनों का भी अलग है, प्रेग्नेंट विभाग का अलग वार्ड है, जेंट्स विभाग का अलग वार्ड है, ICU अलग है, हर जगह पे जाके खिचड़ी बांटती हूँ। मतलब सबके लिए अलग अलग बनती है या फिर लाइक आपका एक ही खिचड़ी? नहीं नहीं, एक ही खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि सीधी सादी सिंपल खिचड़ी बनती है जिसमें पौष्टिकता पूर्ण है। Okay. और हर एक काम पे आने वाली है। तो मतलब हॉस्पिटल के खाने से ज्यादा बेटर है, बिकॉज मैंने खुद हॉस्पिटल में काम किया था और हॉस्पिटल का खाना एकदम ब्लैंक होता है, ऑनेस्टली बता रहा आपको। सो आपकी खिचड़ी जो एकदम टेस्टी और डिलीशियस और हेल्दी जो है वो लोगों को मिलती है। तो आपसे ये पूछना था कि लाइक आपने प्रॉब्लम क्या क्या फेस किया वो टाइम पे, कि जब आपने शुरुआत की थी, लाइक आपको ऐसी क्या दिक्कतें हुई और आप उनसे बोलते ना कैसे उभर के आए, बिकॉज जैसे कि आप फ्री में बांट रहे हो तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम था बता सकते हो। फ्री में बांटने के लिए पहले तो शुरुआत करने के लिए मैंने घर से बात की, सबने, मेरे बेटे ने, बेटी ने, मेरे मिस्टर ने थोड़ा बहुत हेल्प किया, मेरी एक दो फ्रेंड थी उसको बताया, इसलिए घर में 100 किलो चावल लेके आई, 15-20 किलो दाल लेकर आई, 15 किलो आई और 5 किलो वापस लेके आई, 20 किलो मूंग दाल लेके आई, भाजी वाले को 2-4 जन को बात करके आई, मेरे पुराने स्टूडेंट को बात करके आई, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे पास से भी लेगी, हेल्प मिलेगी मुझे क्या। इसलिए सबको बोलने के बाद मैंने सब जगह से परवानगी ली और परवानगी लेने के बाद मैंने खिचड़ी स्टार्ट की, लेकिन वाहन भी मिलना है वो टाइम भी बहुत मुश्किल था।
अभी तो मतलब ट्रैवलिंग बंद था ना हर जगह पे। हर जगह पे ट्रैवलिंग बंद था, वहाँ रिक्शा भी नहीं मिलती थी, तो मैंने एक जेरोक्स का पेज बनाया, लेमिनेशन किया, उसमें लिखा फ्री खिचड़ी सेवा और नीचे मेरा फोन नंबर, और हर एक को बोला कि हॉस्पिटल पे जा रही है, मुझे जाने दो, तो पुलिस लोग भी जाने देते थे। कोविड वॉरियर की तरह आप लोगों की हेल्प कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आपके मन में लाइक ये जो आपने कहा कि लेकिन ऐसा आपकी तरह बहुत से लोग हैं जो दान करते हैं फ्री में फूड। ओके, बट आपका मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में ऐसा क्या ख्याल है जो आपको मतलब इस चीज पे बोलते ना अमल करवा है, बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत से लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में उनका खत्म हो जाता है, मतलब कर नहीं पाते। सो आप इतना टाइम से अभी तक कर रहे हो, जो आपने अभी खिचड़ी रखा इतना सारा, सो व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन, कि ना आप बता सकते हैं इसका आंसर। मैंने सोचा सवाल ये बेसिकली कि अभी देखो बहुत से लोग आपकी तरह काम करते हैं ये सब, ठीक है, फ्री में बांटना है, तो मैंने कंटिन्यू ही रखा है, बारिश हुए, धूप हुए, वावाजोड़ा भी था, सब कुछ था, होते हुए भी मैंने कंटिन्यू चालू रखा। कंटिन्यू इसलिए चालू रखा कि मैं एक दिन नहीं जा पाई थी तो दूसरे दिन बहुत सारे ने मुझे बोला था कि आपकी खिचड़ी हम भूखे रहते, और एक लेडी ने तो मेरे साथ झगड़ा भी किया कि हम लोग को भूखा रखा क्या। अच्छा। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि मुझे छुट्टी नहीं मारनी चाहिए। Okay. इसलिए मैं एक भी छुट्टी नहीं मारती, फिर भी संडे की छुट्टी मारती हूँ, तो संडे के दिन उसके सब रिश्तेदार आकर दे देते हैं। Okay, तो आपके लोग आपकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब कंटिन्यू कर पा रहे हो। हाँ, मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 रुपए किलो चोखा मिलता है ना, वो हर एक के घर से कोई ना कोई मुझे 2-4 किलो 2-4 किलो देकर जाता है, इसलिए चावल की मुझे कभी कमी नहीं आई। मूंग की दाल की जरूरत पड़ी तो मूंग की दाल किसी न किसी से पास से मुझे थोड़ा बहुत मिलता था, बाकी मेरे घर में से बात करती थी तो हो जाता था मेरा, लेकिन एक दिन प्रकार मैंने कंटिन्यू चालू रखा, आज 1.5 साल पूरा हुआ है। ओके, मतलब कैसा होता है ना कि लोग शुरू कर देते हैं फिर खत्म कर देते हैं बीच में, मतलब पार्टअप करते हैं, तो आपका एकदम कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि अभी भी मेरे खिचड़ी की मांग इतनी है, वहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, 81 गाँव का तालुका है वो सही, और हर एक आजू बाजू के गाँव से सब लोग आते हैं, सुबह से आ जाते हैं, रात तक दोपहर तक इधर रहते हैं, तो उसको तकलीफ होता है, जो दवाखाने में दाखिल होते हैं उसको तकलीफ होता है, इसलिए सोचा मुझे चालू ही रखना चाहिए। और आज भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मेरी खिचड़ी चलती नहीं, दौड़ती है। हाँ, ये भी है। तो आपके पूछना बेसिकली कि आप ये सुबह रात दोनों आपका सर्विस रहता है या नहीं? नहीं, सिर्फ दोपहर के टाइम ही देती। अच्छा, ओके, एक ही टाइम देती। अगर आपको समझो कोई खिचड़ी का ऑर्डर आता है पेशेंट की तरफ से कि लोग चाहिए करके, तो आप उनको ऑन द स्पॉट बना के देते हो आप? नहीं नहीं, मुझे मैं अपने टाइम पे लेके जाती हूँ। अच्छा। लेकिन कभी थोड़ा ऑर्डर ये होता है कि किसी को लिक्विड पिलाना पड़ता है नाक से, तभी वो लोग मुझे एक घंटे पहले फोन कर देते हैं घर से निकलो इससे पहले, तो मिक्सर में मैं खिचड़ी डाल के उसका लिक्विड बना के बोतल में लेके जाती हूँ। खिचड़ी का लिक्विड बनाते हैं? या तो मैं बोतल में चावल का पानी लेके जाती हूँ, उसको नाक से पिलाना है। ओके, मतलब आप मतलब बेसिक से लेवल के पेशेंट तक सबके आप केयर करते हैं? सबके, मैं बोल ही दिया है, मैंने मेरा नंबर इसलिए उधर रखा है कि किसी को स्पेशल कुछ जरूरत हो मुझे फोन करके बोल दे। तो आप अकेले काम करते हो या फिर आपके मतलब बोलते ना आपके कोई साथी है जो इसके साथ? मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेले सोचा अकेले काम करती हूँ, मेरे सब घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा बेटा बेटी और यानी कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। नहीं नहीं, मैंने मैंने कहीं से भी हाथ नहीं लंबाया। नहीं नहीं, मतलब ये कहता है ना कि अच्छी चीजें घर से शुरू होती है, वो मैं कह रहा था। बस वही घर से चालू कर दिया मैंने। ओके, सर आपसे बात करके आंटी लाइक अभी आप जो आप अभी के टाइम में जैसे कि अभी वो टाइम पे कैसा था कि लोग थे ना बोलते ना लाइक कोविड वॉरियर है सबके टाइम पे, मतलब लोगों को बाहर जाने मिलता नहीं था, तो आप वो टाइम पे मतलब क्या ऐसा करते थे कि आपको मतलब कहा कि आपने 100 किलो चावल लाके रखा एंड आपने सब ऐसा किया, ठीक है, तो इसमें कुछ है ना कि मतलब हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी रिटर्न आ गया तो क्या करूंगी, तो उसका आपको डर था? नहीं, अभी तक तो रिटर्न आया नहीं। ओके, बिल्कुल, क्योंकि उधर मांग इतनी है, मांग को पहुंची बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी कोविड गया है इसलिए अभी थोड़ी मांग कम हुई है, अभी जिसको जरूरत है वही लेते हैं, पहले तो क्या सबको जरूरत पड़ती थी क्योंकि बाहर से वहाँ नहीं बनता, लेकिन अभी थोड़ा बहुत फिर भी आधी 50 साठ खिचड़ी तो लगती है डेली में, 50-60 आज भी खिला देते। खिचड़ी तो है फिर उसका कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ? नहीं नहीं, मैं खिचड़ी बनाती और कुछ नहीं बनाती। एंड आपका ये जो मतलब कॉस्ट कितना आता होगा डेली अगर आप करने आ रहे हो तो?
मिनिमम मेरा 1000 रुपए आता है मिनिमम। इतने साल लोग को 1000 रुपए में खिचड़ी खिला देता है, मुझे देना क्या है, इसमें दाल चोखा साग भाजी, मुझे कोई बिजनेस तो करने का है नहीं। बराबर, जो आता है वही बोलेगी मैं तो। मतलब ये 1000 रुपए में आप इतने लोगों को खिचड़ी खिला, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज कैसा है ना कि बहुत सी जगह पे लोग लाखों रुपए लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं, इतना नहीं, सा जाता है फिर। ओके, अरे कभी कभार तो 700-800 में खत्म हो जाता है, क्योंकि चावल तो मुझे फ्री में मिलता है। बराबर, बाकी रहा तेल और घी और साग भाजी, तो साग भाजी कम होता है तो 2 किलो डालती हूँ। तो साग भाजी मतलब क्या एग्जैक्टली बता सकते आप? भाजी में गोभी पड़ता है, फणसी पड़ती है, शिमला मिर्ची पड़ता है, टमाटर पड़ता है, बाकी जो भी भाजी मिलता है वो भी डालती हूँ, लेकिन कंदमूल नहीं डालती। अच्छा, क्योंकि मैं जैन की बेटी हूँ तो मैं कंदमूल नहीं खाएगी, किसी को नहीं खिलाएगी। ओके, लेकिन पौष्टिकता का ख्याल रखते हुए सब कुछ डालती हूँ। बराबर, ओके। सो और क्या सवाल आपसे पूछे मैं, ये था कि देखिए कैसा है ना कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बोलते ना कि आप बिजनेस कर रहे हो करके, या फिर अपना सिर्फ लोगों का एक जिम्मेदारी है कि लोग आए तो मैं अलग इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहता हूँ बेसिकली कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप कैसा करें। बिकॉज आप कैसे, अगर बहुत से लोग आ गए सामने से काम करने के लिए तो इट विल बी लाइक यू नो, अपना देश कभी भूखा नहीं सोएगा। तो आप बता सकते हैं ज्यादा ऐसा है कि अगर अभी सब जगह पे विभक्त कुटुंब हो गए, घर में एक जन को दाखिल करें तो बाकी घर में छोटे बच्चे बचते, और उसका ख्याल रखने के लिए एक ही लेडी रहती है, हॉस्पिटल में ख्याल रखे या बच्चे का ख्याल रखे। इसलिए हर एक जगह पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ऐसा छोटा मोटा कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाना चाहिए कि ताकि तकलीफ न होए। ओके, एंड आप लोगों को कुछ कहना चाहते हो कि लोग, जब आपने तो हॉस्पिटल्स के लिए कहा तो मेरे जैसे लोग हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो क्या कि वो कैसा शुरुआत कर सकते हैं, उनकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशन क्या है बेसिकली? अरे बेटे, हमारे देश में तो इतना सारा काम बड़ा है ना कि पूछो ही मत। पर्यावरण को देखो, एक तो खाने का देखो, भूख को देखो, बाकी भ्रष्टाचार को देखो। अरे भ्रष्टाचार में आप कुछ ना करो तो सिर्फ फोन करके दो तो भी सरकार काम कर देगी। इसलिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जहाँ भी हो, कोई भी सेक्टर में हो, आप अगर चाहो तो देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो। ओके, चलेगा। सो गाइस, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, ऐसा मैंने कोशिश किया है पहली बार कि आपके पास मैसेज जाए। तो होल थिंग इज हियर टू से इज दैट कि आप जो अपने लिए छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप कर सकते हो इनकी तरह, तो आप जो है अपने देश को कभी बोलते ना, लाइक हमारे देश के लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये जो है काम करते हैं हॉस्पिटल के लोगों के लिए, एंड जो है मतलब ना गरीब लोग वहाँ पे आते हैं उन सब के लिए। तो अगर हम सब एक ऐसा इनिशिएटिव लें कि हमारे घर का, जैसे इन्होंने कहा कि ना इनको कोई डोनेशन की मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्या करते कि लोगों से मांग के लोग देते सामने से। तो सोचिए अगर हम जो है, ठीक है, अगर हम जो है वो अपने आसपास के लोगों से मिलके अगर अपना खाना मिल गया, लेकिन कलेक्ट करके लोगों को बांट के दे सकते हैं फ्री में, तो इससे बड़ा और बेटर सर्विस कुछ नहीं हो सकता। यू नो कि कैसा है ना कि लाइक खाना बिना सबके पास हमारे पास है, एंड कुछ लोग हैं उनके पास नहीं है। तो क्या अगर हम मिलके एक साथ एक कोलाबरेटिव एफर्ट करके लोगों को दे तो बहुत बहुत आगे जा सकता है ये चीज़, एंड हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। सो थैंक यू सो मच आंटी आपका टाइम देने के लिए। एक बात और बोलिए, आप सब कॉलेज के लड़के हो, पढ़ते हो, तो आपके अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे को अगर एक घंटा भी पढ़ा हुआ उसका कच्चा विषय उसमें थोड़ा सा ध्यान दो, तो हमारे देश में जितने पढ़े लिखे हैं ना वो सिर्फ एक एक जन को करे ना तो भी विश्व का संख्या को अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। ओके, यानी कि ईच वन टीच वन। हाँ, ओके, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ता है तो कम से कम तीसरे चौथी बच्चे को, पांचवी छठी बच्चे को तो सिखा सकता है, तो फ्री में सिखाने की थोड़ी भी और भी कोशिश करे ना तो भी काम हो सकता है। इसलिए छोटा मोटा कोई लेडी अनपढ़ है तो खाना खिला सकती है, कोई एजुकेटेड लड़का है तो बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई रिटायर्ड है तो उसकी तो हर जगह पे ध्यान जाता है, तो भ्रष्टाचार कैसे दूर करे उसके बारे में सोच सकता है, पर्यावरण को आगे बढ़ा सकता है रिटायर्ड आदमी। इसलिए हर एक उम्र में हर एक जन कुछ ना कुछ कर ही सकता है, अगर दिल में भावना होनी चाहिए। बराबर, तो हमारा दिल में भावना होनी चाहिए, हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप आंटी को सपोर्ट करना चाहते हो तो आंटी के नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कहीं खिचड़ी चाहिए इनकी, इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट खिचड़ी, एंड अगर आप कहीं पर नो शुरू करना चाहते हो तो आप आंटी के पास जुड़ सकते हो, आपको नंबर दे दूंगा मैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। और मेरा पहला पॉडकास्ट था ये, मैंने पहले इसके कभी बनाया नहीं, तो सॉरी अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर आपको गलत लगा या फिर बोल देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सो वीडियो को देखिए दोस्तों और शेयर कीजिए एंड मेक श्योर कि हमारे आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, तो हम कुछ अपने देश के लिए छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें ताकि हमारा देश जो है वो सिर्फ GDP के साथ नहीं, हमारा देश मॉरली भी आगे बढ़ सके और हमारे देश के सारे लोग खुश रह सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।